एक बात मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ये प्लीज ध्यान रखना, दिस इज फॉर गर्ल्स, क्योंकि मैं जब कोई चीज देखता हूं तो उसको थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज कर लेता हूं, तो मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूं ये बात। इन आर सोसाइटी बॉयज पे भी अप्लाई होती है, बट गर्ल्स भी ज्यादा अप्लाई होती है। इन आर सोसाइटी होता क्या है, गर्ल्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोग क्या करते हैं, गर्ल्स की मैरिज कर देते हैं, ठीक है, इन द एज ऑफ 22-27। जो अच्छी फैमिलीज के लोग हैं वो 20 से 27 तक उनकी मैरिज कर देते हैं, ठीक है, अच्छी फैमिली के लोगों की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जब वो मैरिज कर देते हैं तो मैरिज के बाद में उनको स्लो पॉइजन दिया जाता है। स्लो पॉइजन का देने का मतलब क्या हुआ, कि तुम पढ़ के क्या करोगे, शादी के बाद भी पढ़ सकते हो, तुम जॉब करके क्या करोगे, शादी के बाद भी जॉब कर सकते हो, और स्लो पॉइजन देते देते उनको फाइनली स्लेव्स में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली वी कन्वर्ट देम इन द स्लेव, राइट? सो मोर और लेस, क्योंकि स्लेवरी खत्म हो गई ना, मैं गलत हो सकता हूं, मैं बोल रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यू व्हाट आई थिंक, बिकॉज मैंने देखा ना, जिन लोगों को मैंने देखा आज, जिनकी मैं प्रोफाइल पिक एक्सप्लोर कर रहा था, दे ऑल आर लाइक इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट पीपल, ठीक है। So finally they convert you in a slave. So my suggestion is for girls especially, boys ke liye bhi hai, ki go in a commitment only when you have your own independence. Aur agar aisa hua, then this 70% it is sure that you would not end being a slave. ठीक है, ऐसे मैंने एक जोक पढ़ा था, कि जोक की फॉर्मेट में, मतलब सरकाज़म था, कि मदर बोलती है अपनी डॉटर को कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कपड़े धोना, सबके कपड़े धोना मेरी ड्यूटी है कि मेरी चॉइस है। मुझे तो अब पता लगा, मैं तो सोचती थी मेरी ड्यूटी है, अब मुझे पता लगा कि ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए थी। So ultimately, she converted into the slave. So, अब boys के लिए